हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। तो मैं थोड़ी सी किताबों की डिस्कशन करने के लिए आ गई हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी इनको रिटर्न करने के लिए। मैं सोचा थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ, अदरवाइज फिर मुझे ना याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ ये कितनी है, छः हैं ये, और 15-16 पे काम चल रहा है, और 5-6 मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ जो मैं याद करूँगी। एंड एक्चुअली वो ज़्यादातर उनमें से किताबें सन साइन के बारे में थी, सो वो मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। कुछ कुछ सन साइंस पे मैंने काम किया, जैसे सेजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इन किताबों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो इन बुक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये सारी ज़्यादातर तो एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा एंड हायर डिमेंशन के साथ बातें कैसे करनी है, लाइक एंजल्स एंड फेरीज, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, एंड सपनों के बारे में। सो जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली किताब है ये ड्रीम्स। सो इसके राइटर का नाम है ट्री कार। इस किताब में लिखा गया है कि सपने कैसे काम करते हैं, आपकी स्लीप कैसे काम करती है, एंड 5 डिफरेंट स्टेजेस में आपको नींद आती है, उनमें से कौन सी स्टेज होती है जिसमें आपको सपने आते हैं। और जो इसकी राइटर है उसका मानना है कि वो सपने में उसे इंट्यूशंस हो जाती हैं आने वाली चीज़ों की, और वो डिसाइड करती है कि उसे सपने कैसे अवेक करें, कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ के रखें। मुझे काफ़ी समय से सपने आते हैं, और मैं ये सपनों की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ कि कैसे ये काम करती है, लाइक क्यों अजीब से सपने आ जाते हैं अचानक से। सो इसलिए मैंने ये किताब पढ़ी थी। जो क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी ड्रीम्स के बारे में, वो इस किताब में नहीं है, बट अदरवाइज अच्छी किताब है ये, नॉट बैड है, ठीक ठाक है। सो यस, एक चीज़ इस किताब में से जो मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आपको एक ही तरह के सपने बार बार आते हैं, या एक ही तरह का बंदा जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आपको बार बार दिख रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको कोई सिग्नल्स दे रहे हैं। तो वो सपना क्या है उसको लिख लें, एंड देन आप उस पर वर्क कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि ये सपना क्यों आ रहा है और बैकग्राउंड कैसी है। लाइक आपको पता चलेगा कि क्या आने वाली किसी इंसिडेंट के बारे में ये आपको आगाह किया जा रहा है। सो इसलिए आपको जर्नलिंग कर सकते हैं अपने ड्रीम्स की। एंड पिछले कुछ समय से मेरे सपनों में स्नेक्स आते हैं बहुत। पहले मैंने बताया है आपको मुझे स्नेक्स से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, पर कई मेरे सपने आते हैं जिसमें मुझे काफ़ी सारे स्नेक्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े चिल कर रहे हैं, और मैं उनसे डर नहीं रही हूँ, पर जिस तरह भी मैं देखती हूँ उसी तरह स्नेक है। सो ऐसे इमोशंस आप चेक कर सकते हैं कि आपके सपने में कैसे इमोशंस हैं, कि आप डरने वाली चीज़ को देख के भी डर नहीं रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे यू नो इंट्यूशंस, ऐसे आपको साइंस मिलते हैं अगर आप इस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, अगली किताब मैंने पढ़ी है ये है मैजिक थिंग्स, फेयरीज के बारे में, अपनी आप डिवाइन पावर के साथ कम्युनिकेट कैसे करें। इसमें ऐसे बताया गया है कि कुछ कुछ सिग्नल्स आते रहते हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह परखें तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस किताब का मानना है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, आपके पास हमेशा एक गार्डियन एंजल रहता है। अब आप पे है कि आप उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड आप अगर करना चाहें तो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गार्डियन एंजल उनके साथ बहुत ईजीली कनेक्ट कर लेते हैं जो लोग बहुत साफ दिल के होते हैं, काइंड होते हैं, और बहुत ज़्यादा साजिशें नहीं करने वाले होते हैं, तो वो जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। पर नेवर टू लेट, अगर आप अभी से अपना किरदार को चेंज करना शुरू कर दें तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने गार्डियन एंजल के साथ। मेडिटेट करें। इस बुक में तो लिखा है कि अच्छी जगह हो, लाइक बाहर माउंटेनी एरिया हो, पार्क हो, या जहाँ पे नेचर है वहाँ पे आप ज़्यादा इजीली उस स्टेट में पहुँच सकते हैं जब आप कनेक्ट करना चाहें, पर इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा महीने साल भी लग सकते हैं। तो आपको अपने सच्चे दिल से उनको पूछना है, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। यू नो कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं और आपको कई चीज़ों के आंसर चाहिए, और आप वो आंसर आपको आपके सपने में मिल जाते हैं। सो दैट मीन आपका गार्डियन एंजल कहीं पे आपको सुन रहा है और आपको रास्ता दिखा देता है कि आपको क्या करना चाहिए। सो ये बुक उसके बारे में थी। मैंने बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सीखने के लिए नहीं मिला, बट या इट्स ओके। अगली दो किताबें पढ़ी है मैंने ये आयुर्वेदा के बारे में।
ये वाली मुझे ठीक ठाक लगी, ये वाली किताब में बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये इसकी राइटर है गीता वारा एंड इसमें उन्होंने आयुर्वेदा के बिगिनिंग से एंड तक सारा कुछ लिखा है कि कैसे आयुर्वेदा से आप किसी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं या फिर आप प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का आने से पहले ही। एक्चुअली आयुर्वेदा का मेन पर्पज़ यही है कि अच्छा सा जीवन जिया जाए ताकि हमारे तक मुसीबतें आए ही ना। तीन तरह के दोष होते हैं हमारे हर एक बंदे के शरीर में एंड उन दोषों में से आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से फिर आपको फूड खाना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना एवरीडे रूटीन बनाना चाहिए ताकि आप मुसीबतों से दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें। और छोटी मोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स रेगुलर बीमारियों को भगाने के लिए, कोल्ड, फ्लू, पेन। अच्छी किताब लगी मुझे ये, मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप पढ़ना चाहें आयुर्वेदा के बारे में तो ये पढ़ सकते हैं। ये किताब भी अच्छी है, आसान रीड है, अच्छी पिक्चर्स हैं इसमें एंड अगर आपको थोड़ा पिक्चर्स वाली भी अच्छा लगता है आयुर्वेदा के बारे में नॉलेज लेना चाहें तो इस किताब से ले सकते हैं। देन पढ़ी है मैंने ये किताब एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने 4-5 और किताबें पढ़ी हैं, अब नाम नहीं मुझे याद, मैं कोशिश करूँगी कि याद करके या सर्च करके लाइब्रेरी वाले अकाउंट में कौन सी पढ़ी हैं। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है किताब में, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट्स, कि कैसे हर एक साइन आपकी पर्सनैलिटी में हेल्प करता है। हर साइन आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है या आपकी पर्सनैलिटी उस साइन के हिसाब से ही होती है। लाइक मैं वर्गो हूँ, जो डीप इनसाइड मी है वो वर्गो है, आउटसाइड मी असेंडेंट साइंस होते हैं वो लियो है। मेरी दिखने में, मैं शक्ल में, मेरे बाल जैसे कर लिए हैं वो लियो जैसे हैं एंड आप हैरान होंगे पढ़ के कि रियली ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपकी पर्सनैलिटी में एंड इंटरेस्टिंग है ये किताब। ये भी अच्छी पिक्चर्स वाली किताब है, बोर नहीं होंगे आप जल्दी, अच्छी है ये। एंड 12 घर होते हैं, हर एक घर का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से घर में कौन सा बंदा बैठा है उससे आपकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट होगा। अच्छी किताब है, अगर आप आसान एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं ये पढ़ सकते हैं। इसके राइटर का नाम है कैरल टेलर, ये पढ़ सकते हैं। एंड आपको पता है मुझे नंबरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, ये किताब पढ़ी मैंने, मुझे लगा था बहुत सारे आंसर मुझे मिल जाएंगे, इतनी मज़ेदार किताब नहीं थी। पर यह बेसिक नंबर्स के बारे में नॉलेज है, लाइक क्या कहते हैं कि एक बड़ा सा व्यू है कि इस नंबर का ये इफेक्ट होता है, ये नंबर ऐसा होता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में जानना चाहें कि मेरे नंबर्स क्या है, वो नहीं इसमें मिलेंगे, बट बेसिकली एक बाहरी तरीके से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर नंबरोलॉजी के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक लिंक नीचे छोड़ दूँगी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ पाथ कौन सा है। लाइफ पाथ है कि जो काम करने के लिए आपने दुनिया में जन्म लिया है उसी रास्ते पे आपको चलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ और कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और हम सोचते हैं कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, एंड देन आप ऐसी चीज़ों में से आइडिया ले सकते हैं। पर ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, ये मत सोचो कि ये है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जो ह्यूमन है ना उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है हर चीज़ को चेंज करने की। आप अपनी नंबरोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, बस आइडिया लें। अगर आप छोटे दिल वाले हैं या आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं चीज़ों पे तो मत पढ़ना। अगर आप मेरी तरह चीज़ों को लाइटली लेते हैं या कुछ आइडिया ले लेंगे फिर तभी पढ़ना, पर अगर आप अंधविश्वास किस्म का है ना बंदे कि बस अंधविश्वास कर लेते हैं किसी चीज़ पे फिर मत पढ़ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड कई चीज़ों पे अंधविश्वास कर लेते हैं तो मैं उनको वो चीज़ें बताती नहीं हूँ। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो मत पढ़ना, क्योंकि फिर आप वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही अट्रैक्ट कर लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बंदे में सबसे ज़्यादा पावर है, हमें भगवान ने बहुत पावरफुल बनाया है। यस, ये चीज़ें हम पे इफेक्ट डालती है, बट यू हैव अ पावर टू चेंज एनीथिंग। ओके दोस्तों, तो ये बुक्स को रिटर्न करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं हेल्थ फूड स्टोर में जाऊँगी, मुझे कोई हर्बल टीज चाहिए। यहाँ पे मैं किताबें ड्रॉप कर दूँगी, बाय बाय। ऑलराइट दोस्तों, तो कल सूप पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर टीवी वॉच किया और फिर मैं सोने के लिए चली गई। मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो बनाऊं पर मैं नहीं बना पाई। मैं चाहती थी कि मैं मेरा स्किन केयर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने मेरे स्किन केयर में कुछ चेंजेस लाए हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे हेल्प कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट मैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
उसका ऐसे है कि जब आप यूज़ करें तो वो स्कार्स लाइट हो जाते हैं, जैसे ही आप यूज़ करना बंद करें 2-3 दिन में ही वापस आ जाते हैं। सो ये मुझे लॉजिक सही नहीं लगा। पर अब मैं एक नया प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है फेडेड, उसके बारे में बहुत सुना है मैंने, उसको यूज़ करने के लिए एक्साइटेड हूँ। वो पूरे कैनेडा में सोल्ड आउट है और वो प्रोडक्ट उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनकी स्किन ब्राउन है, हमारी जैसी स्किन वाले लोग हैं वो, और वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ है उस प्रोडक्ट के, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है। क्योंकि जो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट गोरी स्किन के लिए बने हैं वो हम पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन डिफरेंट है। और पहली बार मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा है जो हमारी स्किन पे काम करेगा। सो मेरी स्किन का कंसर्न सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन रह गया, उसके बिना आई एम ओके, सब कुछ सही चल रहा है। सो अब उसे यूज़ करूँगी, बट फ्यूचर में किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मेरा करंट स्किन केयर रूटीन, एंड ऑल्सो मैंने कौन सा वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो जब यूज़ करो तब लाइट हो जाते हैं, जब नहीं यूज़ करो तो फिर से आ जाते हैं। एंड अर्लियर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ। आयुर्वेदिक की किताबें मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स करना चाहती हूँ। एंड जब रूमेटॉइड डायग्नोज हुआ था मुझे, तब से ही मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड कर ली थी मेरी ज़िंदगी में। उसके हिसाब से मैंने ग्लूटेन को छोड़ के देखा एंड कई सारी सब्जियों को माइनस करके देखा, सात्विक फूड खाने की भी मैंने ट्राई की। पर अब मैं डिफरेंट अप्रोच से चीज़ें करने वाली हूँ, लाइक गट को, लीकी गट को कैसे फिक्स करना है, क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से ये प्रॉब्लम ही लीकी गट से शुरुआत होती है। सो उसको फिक्स करने के लिए चीज़ें कर रही हूँ आजकल मैं। अगर ये मुझ पे काम करेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वैसे क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी हो रही है और मेरी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। किन्ने किन्ने दिन मुझसे मिस हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेन में है मेरी बॉडी। पर या कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड करती रहती हूँ मैं कि बेटर फील करूँ। एंड यस, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ठंड है एंड, पर यार आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का ऐसे है कि हर एक के शरीर में डिफरेंट किस्म की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो 3 डिफरेंट काइंड के शरीर हैं। सो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से डाइट खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो अपनी ज़िंदगी में अदरक की मात्रा बढ़ा दें। बिकॉज़ ठंड है तो दिन में 3 बार छोटे छोटे कप पानी पी लिया करें जिसमें अदरक हो। अदरक को खूब सारा पानी में बॉयल करके रख लें और दिन में थोड़ा 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 पीते रहें, क्योंकि वो आपकी बॉडी को हीट देता है एंड आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो आप फूड खाएंगे वो पच जाएगा और एंड ऑफ द डे बोन्स में भी हेल्प होगी। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड दूसरी, हल्दी को इंक्लूड करें, अच्छी सी हल्दी सुबह उठते ही खाली पेट खा लिया करें, 1 टैबलेट, या अगर आप फ्रेश हल्दी खाएंगे तो दूध में मिक्स करके खा पी सकते हैं या पानी में। पर बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं खानी है क्योंकि हल्दी की जो बेसिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर आप ज़्यादा हल्दी खाएंगे तो आपको देसी घी भी ज़्यादा खाना चाहिए। वैसे रोज़ाना ज़िंदगी में अराउंड 3 चम्मच देसी घी खा ही लिया करें, रोटी पर लगा लें, पानी रोटी पे लगा लें, सब्ज़ी में ऐड कर लें, या दूध एंड चाय में भी ऐड करके पी सकते हैं अगर आप पीना चाहें तो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ड्राई चीज़ें खाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं आपको फ्यूचर में, पर आज इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, एंड जल्दी ही मिलेंगे। एंड ऑल्सो 1 मोर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, हर्बल टीज। सारा दिन कुछ ना गर्मा गर्म पीते रहें, हर्बल टीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं वो है तुलसी, जिंजर, थाइम एक हर्ब है, जो फ्लेवर भी आपको अच्छा लगेगा वो पी सकते हैं। ग्रीन टी पिए एंड और कौन सी, एक नेटल लीफ करके आती है टी, वो जो लीफ है वो गाउट के लिए या किसी भी इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छा है। गाउट है अगर आपको, रूमेटॉइड है या आर्थराइटिस है दूसरा वाला, उसके लिए वो पत्ता बहुत ही ज़्यादा, उसकी फ़ोटो मैं शेयर कर दूँगी। ये अगर आपको मिलती है तो दिन में 2-3 बार पी सकते हैं क्योंकि इनमें कैफीन नहीं होती है, अच्छी हर्बल टीज़ हैं। और वैसे भी जितना गर्म गर्म पीते रहें ना सर्दियों में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। एंड कोशिश करें ठंडी ड्रिंक्स नहीं पिएं क्योंकि ठंडी ड्रिंक्स अच्छी नहीं है, स्पेशली सोडा तो बिल्कुल नहीं अच्छे। और कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर भी ना पिए, कोशिश करें वार्म पीते रहें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो यस, दैट्स इट, दैट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट
दैट्स टिप्स फ्रॉम आयुर्वेदा मी एम डन. सो मैं आपको मिलती हूँ कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय लालू.